तो खाना जो नहीं देता है तो आपने लिखा कि मरीज क्या खाएगा? सरकार तो दे रही है ना, सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? तो सरकार जब दे रही है तो कौन एनजीओ है जो खाना नहीं दे रहा? और आप प्रभारी हैं तो आप ये सवाल क्यों नहीं उठाए? हम अभी बात करते हैं सिविल सर्जन साहब से। कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ? सिविल सर्जन आप लगा लीजिए, हाँ जी बिल्कुल। इन डॉक्टर अभी हैं, महिला डॉक्टर कोई नहीं है। पहले भी गया था यहाँ से कि महिला डॉक्टर थे। मैम यहाँ के ऑफिसर का दादागिरी ज्यादा है। डिमांड किए हुए और किसी का डेपुटेशन भी नहीं है कि सप्ताह में एक बार देख ले, दो बार देख, कुछ घंटा किसी का नहीं। ठीक है, बाद में बात। आप एनजीओ का नाम लीजिएगा, लिखवाइए एनजीओ का नाम लिखो, कुछ घंटे के लिए भी देखो, वो आप कर लीजिए काइंडली। एक दूसरी बात कि आपका कोई एनजीओ यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो न बेड चेंज कर रहा है, न साफ सफाई कर रहा है, न खाना दे रहा है। खाना तो आपका मेस ही बंद है, कितने साल से सर चला कहाँ अभी तक? आज हम लोग जीवन में देखे नहीं क्या चला हुआ के बारे में हम लोग जानते नहीं। हम लोग बचपन में घर यहीं पर है, सरकार तो आपको घर ही यही। सुनिए, हेलो, देखिए हम जिम्मेवार आदमी से जिम्मेवारी से बात कीजिएगा, फल चाहिएगा आपको। हर एक मरीज को जो भी अस्पताल आएगा उसके रहने सहने खाने की व्यवस्था होगी, परिजन को दीजिए नहीं दीजिए, मरीज को आपको दे जाए। आपको बेड चेंज करना प्रत्येक दिन सप्ताह में हर कलर का, इसलिए कि कोई घपला न करे। आज कौन सा कलर आपके वो जो डॉक्टर साहब से पूछे कि किस कलर का बेड आज होना चाहिए, तो बोले कि हमको जानकारी ही नहीं, बल्कि इसका तो चार्ट लाना चाहिए, डॉक्टर का भी नंबर होना चाहिए, कौन कौन डॉक्टर क्या रखा है। हम लोग आए हैं, हम लोग आज कुछ नहीं करें ना, कल तो हम लोग आपके स्वास्थ्य मंत्री और सीएम से मुलाकात, लेकिन एक चांस हम लोग दे रहे हैं सीएम साहब, जरा बैल की दिया सुधारी। कहीं साफ सफाई पानी का सर व्यवस्था में नहीं है, पानी का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का भी व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर से नहीं है, हाँ जनरेटर है, जी जनरेटर है, जनरेटर है, खाने की व्यवस्था नहीं है, चादर उधर बदलने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, बुखार में भी रेफर हो जाता है, रेफर हो जाता है, सीधे रेफर कर दिया जाता है। परंपरा बंद टापू है, लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, गंडक पूरी गंडक बागमती सबसे गिरा हुआ है, इसलिए इसको दुरुस्त कर दीजिए।